हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम उड़द दाल की पूरी बनाएंगे। उड़द दाल लेंगे। जिसे हमने पहले ही धोकर और 3 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। देखिए, ये कुछ इस तरीके से फूल जाएंगे। अब हम उड़द दाल को पीस लेंगे। ध्यान रहे हम इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे और इसे थोड़ा सा दरदरा ही पीसेंगे। उड़द दाल पिस चुकी है। देखिए, हमें इसे इतना दरदरा पीसना है। अब हम पूरी के लिए आटा लगाएंगे। इसके लिए एक बड़े बाउल में 1 कप आटा और पिसी हुई उड़द दाल डालेंगे। अब हम मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी डालेंगे। हमने पानी इसलिए डाला है ताकि बची हुई दाल को भी निकाला जा सके। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कलौंजी, 1 जीरा भी डाल सकते हैं, कटा हुआ धनिया और 1 चम्मच तेल डालकर इसको गूंथ लेंगे। ध्यान रहे हम इसे बिना पानी के गूंथेंगे, क्योंकि उड़द दाल में थोड़ी सी नमी होती है जिसकी वजह से इसका डो बन जाएगा। अगर आपको डो तैयार करते हुए लगे कि ये सूख रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं। अब हम डो पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे। इसे ढककर 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो चुकी हैं। हम डो को दोबारा से गूंथ लेंगे। देखिए, डो कितना सॉफ्ट बना है। अब हम पूरी के लिए इसकी छोटे छोटे लोइयां बना लेंगे। अगर आटा आपके हाथ में चिपकने लगे तो आप हाथ में थोड़ा सा तेल ले सकते हैं और फिर इसकी लोइयां बना सकते हैं।
पूरियां बन चुकी हैं, अब हम इनको बेल लेंगे। लोई के ऊपर थोड़ा सा तेल लगाएंगे। ध्यान रहे हम इसको ज्यादा पतला नहीं बेलेंगे, इसे हल्का मोटा बेलेंगे। हमने तेल को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। ध्यान रहे तेल एकदम गर्म होना चाहिए, तभी पूरियां अच्छे से खिलकर बेलेंगी। इसी तरीके से हम बाकी पूड़ियां भी बना लेंगे। उड़द दाल की पूड़ी बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आप इसे दही के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।